गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको बोर्ड मार्क्स कराने जा रहा हूँ। और कराने से पहले एक आपसे एक बात कहता हूँ, यूपी टेट एग्ज़ाम और या सी टेट का एग्ज़ाम जो भी होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। और नंबर सिस्टम मैंने आपको करा दिया है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा बोर्ड मार्क्स समझाऊँगा और एक एक प्रकार का क्वेश्चन, एक एक शब्द समझाऊँगा, एक एक नंबर्स की वैल्यू बताऊँगा आपको कि बोर्ड मार्क्स में किसकी कितनी वैल्यू है और किस प्रकार से उसको किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स के रूल्स को समझेंगे और मैं आपको बता दूं, पूरा डीपली आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, वी की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर आता है नंबर्स के ऊपर, अभी आपको समझा भी दूंगा, टेंशन ना लें आप, देखते रहें। और ये जो है बी, उसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट। और ब्रैकेट कौन से होते हैं, एक ये होता है, एक ये और एक ये। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है, उसके बाद ये, और इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बात आती है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। क्या मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइड, डिवाइड के बाद एम से मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए से मतलब होता है ऐड, और एस से मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, मतलब माइनस, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, बी से ब्रैकेट होते हैं, उसके बाद ओ से ऑफ होता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड आता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन अगर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है उसको बाद में करेंगे, लेकिन ऑफ लिखा हुआ है उसको पहले करेंगे, मैं आपको अभी समझा दूंगा। ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, मतलब घटाना। अब देखिए, सबसे पहले मैं वेक्टर को आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने कहा कि 8 माइनस का 3 माइनस का 2, ये हो गया। और दोबारा इसी वैल्यू को लिखना चाहूँगा मैं, 8 माइनस का 3 माइनस का 2 और वेक्टर। अब देखिए, सिंपल में और वेक्टर में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूं कि देखिए, 8 का 8 आ जाएगा इसमें, विदाउट वेक्टर की बात कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल में, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब 8 में से 5 माइनस हुआ तो कितना हुआ, 3, इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन अगर वैक्टर आ जाए तो आंसर 3 नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, 8 का 8 हम जब क्या कर रहे थे कि माइनस का 3 था और माइनस का 2 था, तो माइनस का 5 किया था हमने जोड़कर, ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन यदि वेक्टर लगा हुआ है तो वेक्टर के आगे जो भी चिन्ह होगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का, वो नहीं माना जाएगा, वो बाद में, अभी ये यहाँ तक माना जाएगा। तो माइनस का माइनस, 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, 1। अब देखिए, 8 में से 1 गया तो 7। आई बात समझ में, वेक्टर से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर वेक्टर नहीं है तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो रहा है, अगर वेक्टर लगा हुआ है तो ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, या फिर यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस हो रहे होते, ठीक है। ये हो गई वेक्टर की बात। अब एक एक करके हम एक एक प्रकार के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और कई प्रकार के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा डीपली मैं आज समझा के चलूँगा। लेकिन आपसे एक बात कह दूँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आप तो आपको मिल जाएँ, इसलिए आप बेल आइकन भी दबाएँ, तो बनी रहिए मेरी क्लास के साथ। तो चलिए, एक एक करके छोटे लेवल से बड़े लेवल तक के बोर्ड मार्क्स आपको आज मैं कराने जा रहा हूँ, और सभी कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उस प्रकार के भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल विदाउट ब्रैकेट समझाना चाहता हूँ कि बोर्ड मार्क्स होता क्या है। मैंने लिखा है यहाँ पर 64 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 प्लस 2 डिवाइड 2, ठीक है। ये बिल्कुल विदाउट ब्रैकेट वाला बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको मैं बता दूं, हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए, अगर वेक्टर लगा हुआ है तो पहले वेक्टर करना है आपको, वेक्टर लगा हुआ है तो पहले वेक्टर, ठीक है। वेक्टर नहीं लगा हुआ है, ब्रैकेट है, तो आपको फिर ब्रैकेट करना है, यहाँ से चलना ऊपर से, इसलिए मैंने लाइन से लिखा है। अब बात आती, ये दोनों नहीं है, तीसरा ऑफ लिखा हुआ है, तो फिर आपको ऑफ करना, ऑफ भी नहीं है, तो अब ये तीनों ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, डिवाइड से। कहाँ से स्टार्ट करना है, डिवाइड से। तो हम डिवाइड से स्टार्ट करेंगे, और आपको एक चीज़ और मैं इसमें समझा दूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कि अगर कभी भी ब्रैकेट आ जाए और यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस का 2, ठीक है, या फिर माइनस यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3, केवल 3, तो आपको क्या करना है, आप 8 में से 5 माइनस नहीं कर सकते इस समय। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि हम माइनस तब तक नहीं करेंगे तब तक ब्रैकेट नहीं हट जाएगा, और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो आपका क्या होगा, 8 का 8
फाइव का थ्री होगा माइनस के 15, क्योंकि यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15, तब तक नहीं करेंगे। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की, तब क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैंने क्या कहा, ये तीनों ही नहीं ही हैं, आपका डिवाइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं डिवाइड बता रहा हूँ आपको। तो देखिए 8 का डिवाइड 64 में कितने टाइम जाएगा, 8 × 2 = 64, 8 बार गया, ठीक है, गुणा 3। इस 8 को इस 8 में से इस 3 को नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई लगा हुआ है। आपसे क्या है, पहले डिवाइड, फिर देखिए माइनस का 8 का 8 प्लस, ठीक है। अब देखिए अब भी एक और डिवाइड अभी इसमें, तो इस डिवाइड को कर लेंगे, 2 का 2 में गया तो 1 आ गया। अब बात आती है, डिवाइड खत्म हो गया हमारे, यहाँ पे डिवाइड का काम समाप्त हो गया। अब यहाँ पे आ गए, अब देखिए मल्टीप्लाई पे बात चलती है, तो मल्टीप्लाई देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 कितने हो गए 24, माइनस का 8 प्लस का 1, यहाँ तक हुआ क्लियर। आगे देखिए, अब ये मल्टीप्लाई भी खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है आपकी किसकी, ऐड की, तो आप ये देखिए इसमें ये तो ऐड होगा नहीं, तो आप देखिए ये प्लस का और ये प्लस का, क्योंकि कुछ नहीं है तो वो भी प्लस का माना जाएगा, तो कितने हो गए आपके 25, माइनस का 8, आपका ऐड भी चला गया अब यहाँ से। अब क्या बचा, सबस्ट्रैक्ट, तो आप देखिए 25 में से 8 जाएंगे तो कितना बचा आपका 17, तो कितना बचा 17, तो आपका आंसर कितना आ गया 17। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन क्या है, सिंपल डिजिट ऐसी हैं जो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि बोर्ड मास में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ब्रैकेट वाला क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, फिर अपॉन में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए ब्रैकेट वाले ही क्वेश्चन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझिए आप, मैं आपको बता दूं, आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये लेंथी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट करना है, तो ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट ये रहा। आप एग्जाम में कैसे करोगे, पूरा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल में, आप पीछे से सॉल्व करते हुए जाइए इसको, और यहाँ तक हम लास्ट तक पहुँचेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, डिवाइड की जो वैल्यू है वो सबसे अलग है, कोई ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वेक्टर के हिसाब से ही चलिए, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो आप देखिए माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 6 माइनस का 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, यहाँ कितना 2 का 2, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं अभी हम इसको, ठीक है। तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, तो कितना हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा, कितना आ गया आपका 2 का 2 आ गया, ठीक है। या फिर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पूरा कोष्टक पूरा लेके दिखाता हूँ, तो आप पूरे कोष्टक के हिसाब से करिए। देखिए ये माइनस 2, 6 का 6, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस का माइनस, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ तक जोड़ा जाएगा 5, और ये ब्रैकेट लग गया आपका, ब्रैकेट लग गया। अब आप देखिए 16 का 16 माइनस 2 का 2, 6 में से 5 गया तो आपका 1, और ये कोष्टक का कोष्टक लग गया, ठीक है। तो 16 का 16 माइनस 2 का 1 हुआ 2, तो यहाँ आ जाएंगे आपके कितने बचे, अब यहाँ पे 14, तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया आपका, ये वाला हिस्सा गायब हो गया, अब हो गया कि नहीं। अब इस वाले पूरे हिस्से की जगह हम क्या रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, इस वाले हिस्से की जगह क्या रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं। तो आप देखिए 24 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 ब्रैकेट, अब देखिए ये अलग है बिल्कुल, 6 का डिवाइड चला जाएगा इसमें, सॉरी 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम इंटू 2 बचा है यहाँ पे माइनस, उस कोष्टक में क्या बचा है, अब आपका इस कोष्टक में क्या बचा है, आप देखिए क्या बचा है 14, तो क्या बचा है 14, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना छोटा हो गया ना छोटा। अब छोटा होने के बाद देखिए 2 अलग है, ये ब्रैकेट से बिल्कुल अलग है, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट से ये अलग है, तो डिवाइड पे आ जाते हैं डायरेक्ट, तो डिवाइड देखिए कितना हो गया 12 माइनस 3। अब आप देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4 माइनस, माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाए माइनस के 14, ठीक है। ये एक ब्रैकेट रह गया, 2 गायब हो गए। अब देखिए 12 में से 3 जब तक नहीं घटाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब से ये ब्रैकेट से टच है, अगर यहाँ माइनस या प्लस होता तो हम घटा सकते थे इसको इसमें से, लेकिन ब्रैकेट से टच है तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका 14 में से 4 के, तो कितना बचा आपका 10, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अब आती है बात 12 के बारे, माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस का माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो 3 दाढ़े कितना हो गया 30, कितना आ गया 30 आ गया, 12 और 30 कितना हो गया अब आपके 42, तो आपका आंसर क्या आया 42 है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है बोर्ड मार्क्स,
बहुत ही सिंपल है, तो ऐसे आप घबराइए नहीं कि हम पे बोर्ड मार्क्स नहीं होगा। अभी आपको और प्रकार के क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, तो आपको क्लियर बोर्ड मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मार्क्स का ही अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में डिवाइड नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन की तरह क्वेश्चन है, लेकिन है बोर्ड मार्क्स में, इसलिए आता है क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको पहले ये सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व ये करना है। अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। क्या क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो आप देखिए, मैं आपको छोटा सा पैटर्न बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इसको करिए पहले पूरे कोष्टक को। तो 4 3y 4 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3 सही 1/6 हो जाएंगे, माइनस का माइनस होगा तो प्लस के हो जाएंगे 2 से 1/3। अब आप इसको जल्दी कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी ब्रैकेट गलत लग गया, जल्दी कर सकते हो आप इसको। कैसे, आप देखिए आगे कितना है। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बता दी है, आप लिंक में देख लें, वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपका 4 यहाँ पे और 2, टोटल कितने हो गए, 6। 6 में से 3 माइनस के गए तो कितना बचा, 3 बचा, इसको साइड में लिख लेंगे। अब देखिए ये हमारा ये समाप्त हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया यहाँ से हमारा, ठीक है। अब देखिए 4, 6 और 3 लास्ट आ जाएगा, क्या यहाँ पे क्या बचा, देखिए 3/4 बचा, माइनस 1/6 बचा, प्लस 1/3 बचा, तो इनका जो लास्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ गया। तो 4 का 12 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, ठीक है। 6 का 12 में 2 बार, 2 का इसमें करेंगे 2, प्लस 3 का 12 में 4 बार, 4 का इसमें करेंगे 4। अब आप देखिए 9 और 4 कितने हो गए, 13, 13 में से 2 गए तो कितने बचे आपके, 11, 11 बटे कितना हो गया, 12। आप देखिए आपका 3 आगे था, तो 3 आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ही, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। आपको अगर ये पैटर्न समझ में आया तो नीचे लिंक है एक वीडियो की, आप उसमें से समझ लीजिए, इसको पूरा डीपली मैंने समझा दिया है। अब आपका इतना आ गया और आगे ये इतना था, तो आप देखिए 1/2 था आगे, प्लस 3 सही 11/12 आ गया, ठीक है। आप यहाँ इसको मत लिखिए, आप इसको सिंपल कर लीजिए, क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल के साथ सिंपल ही अच्छा लगेगा। तो 12 थी 36 और 11 कितने हो गए आपके, 47 कितना हो गया, 12 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 47 कितना आ जाएगा आपका, 12। अगर मैं इनका लासा निकालूं तो लासा आ जाएगा इनका 12। तो 2 का 6 बार 6 का 6, प्लस यहाँ करेंगे 12 एकम 12 और 47 का 47, तो यहाँ तक हुआ क्लियर। यहाँ तक होने के बाद आप देखिए ये कितने हो गए आपके, 53 नीचे हो गया आपका 12। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2 3 6 और 1 हो जाएंगे आपके 7 7/2 हो जाएगा आपका 2, माइनस 4 2 8 और 3 हो जाएगा 11 11/2 आपका हो जाएगा 4, डिवाइड का डिवाइड रहेगा अभी यहाँ पे, -5/6 का -5/6 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 2/5 का 2/5। अभी इनका एलसीएम नहीं निकाल सकते क्योंकि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद हम प्लस की तरफ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ 4 एलसीएम आ गया, 2 2 4, 2 7 कितना हो गया, 14। और ये आपको मैंने वीडियो में लिंक दी है, इसको समझा दिया है मैंने एक वीडियो में, उसकी लिंक में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहाँ से समझ में आ जाएगा। 4 एकम 4 और ये 11 का 11 है आपका, ठीक है। अब क्या है, हम इसको उल्टा कर सकते हैं क्योंकि 6 ऊपर डिवाइड तो हो नहीं सकता डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, 6 ऊपर ले जाएंगे और 5 नीचे ले जाएंगे, माइनस का माइनस रहेगा, प्लस 2/5 का 2/5। तो आप देखिए 14 में से 11 के तो कितना बचा, 3 नीचे 4 गुणा माइनस 6/6 5 का 5, प्लस 2/5 का 2/5। तो 2 2 4 2 3 6, ठीक है। तो 3 3 हो जाएंगे आपके 9 माइनस के, ठीक है, माइनस के 9 और जो हो जाएंगे प्लस 10 हो जाएंगे नीचे, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2/5 कितना हो जाएगा, 5। आप देखिए दोनों का अगर मैं लासा निकालूं, यहाँ कर देता हूँ इस लाइन को यहाँ पे, तो दोनों का अगर मैं लासा निकालूं, तो अब लासा की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो लासा देखिए 10 आ जाएगा आपका, 10 आ गया। 10 लासा आने के बाद अब देखिए 10 एकम 10, 9 का 9 रहेगा माइनस का, और 5 का 10 में 2 बार, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 9 माइनस का 4, माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा ऊपर माइनस का, और नीचे बचेगा आपका 10। तो 5 एकम 5 5 2 10, तो 1/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा। ये आ गया इसका आंसर, 1/2 आ गया। तो इसके साथ में आपको लास्ट आज के लिए बोर्ड मार्क्स के लिए क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझ लीजिए, वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा, क्योंकि परसेंटेज आया है टेट में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन करने पूरा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, तो आप देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल में लिखूंगा। देखिए 3/4 का 3/4 लिखूंगा यहाँ पर, इसको सिंपल में लिखूंगा। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो सिंपल फ्रैक्शन में लिखूंगा। 3 × 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, ऑफ का ऑफ रहेगा, यहाँ हो जाएगा 4/4 आपका हो जाएगा 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए -1/2 का 1/2 यहाँ रहेगा नीचे, आप देखिए 2 × 4 कितने हो जाएंगे 8, और 3 × 5 कितने हो जाएंगे आपके 15, प्लस 1/6 हो जाएगा, हो गया। अब आप आगे देखिए 4 × 4 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 × 3 क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गया आपका, यहाँ तक आने के बाद देखिए यहाँ सब कुछ कट गया तो 1 बचा, -1/2 बचा यहाँ पे। नीचे देखिए दोनों का अगर मैं लासा निकालूँ तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 15 × 2 = 30 दो बार गया, 2 × 2 कितना हो जाएगा 16, प्लस ठीक है प्लस का प्लस, 6 × 30 में कितनी बार गया 5 बार, तो 5 × 5 आपका आ जाएगा, हो गया यहाँ तक। अब आप देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे तो 2 × 2, 2 × 1 में होगा 2, 1 × 1 में होगा 1, माइनस का माइनस बीच में। अब आप देखिए 15 × 6 कितने हो गए 21, नीचे आपका 30 × 30, तो देखिए 30 आ गया यहाँ तक। अब 30 आ गया हमारा, तो आप देखिए 2 में से 1 गया तो 1, नीचे 2 × 2, अब आप आगे देखिए 21 × 21 यहाँ पे आ जाएगा, और 30 × 30। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो आप देखिए 30 × 1 में होगा तो 30, और 2 × 21 में होगा तो कितने हो गए आपके, ये हो जाएंगे आपके 42। तो आप देखिए ध्यान से, आप इसको देखेंगे तो कट रहा होगा, तो आप काटिए 2 से 15 बार, और 2 से काटेंगे तो 21 बार, ठीक है। फिर भी 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 5 बार कटा, और 3 से काटेंगे तो 7 बार कटा। ये तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 5/7 आपका आ गया आंसर। तो इसी के साथ हम बोर्ड मार्क्स की क्लास आज समाप्त करते हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा के क्वेश्चन, मतलब बीजगणित के जो क्वेश्चन आते हैं, और नंबर सिस्टम से बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, पावर्स वाले, घातांक करनी वाले, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।